आपके बैंड की भी चर्चा करेंगे, लेकिन अब चूंकि आपने अपने की अपनी संगीत परंपरा, अपने माँ के परिवार की संगीत परंपरा के बारे में इतना कुछ हमें बताया, तो मैं गुजारिश करूंगा कि कोई शास्त्रीय राग आप हमें सुनाइए, जिससे इस परंपरा की महक थोड़ी सी और फैले। जी जी बिल्कुल। मैं आपके सामने राग रागेश्वरी प्रस्तुत करूंगा। Oh,
राग रागेश्वरी जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रचलित रागों में से है, उसको सुनने के बाद अब हम आते हैं नवीन जी के बैंड पर, और जिस बैंड का नाम है अनुराज, इस बैंड के बारे में बताइए। हाँ जी, ये अनुराज जो क्लासिकल बैंड है, इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मैं क्लासिकल तो बजाता ही था, पर कुछ ऐसा मुझे अनुभूति हुई कि मुझे इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए मुझे थोड़ा सा दायरा बढ़ाना पड़ेगा, और क्लासिकल के अलावा भी मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो मेरी पहचान बने, क्योंकि आप बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों को जानते ही हैं, जैसे उस्ताद रईस खान साहब, पंडित रामनारायण जी, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, बड़े बड़े पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, तो इन्होंने संगीत को इतने ऊंचे दर्जे पर लेके गए हैं, और उन्होंने काफ़ी बहुत सारी मेहनत भी की, मैं उनके बारे में क्या बोलूं। तो क्या है कि अब मेरी जो आधी लाइफ है वो तो तबले में चली गई, अब मैं इस बेलाबार इंस्ट्रूमेंट में मतलब बहुत लिमिटेड ही काम कर पाऊंगा, क्योंकि एक शरीर भी होता है कि जो एक एक लिमिट होती है रियाज करने की भी, तो दोनों को कायम रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा काम करूं कि कोई सुने तो बोले अरे ये तो नवीन गंधर्व है। तो जो मैंने तबला सीखा था उसका, और जो जो भी मुझे राग पता है, थोड़े बहुत राग पता है मुझे, तो उसका दोनों का मैंने मिश्रण किया, जिसमें जो शास्त्रीय ताल है, जैसे रूपक है, जप ताल है, एक ताल है, आड़ा चौताला है, मत ताल है, और जैसे राग है भीमपलासी, झिंझोटी, गावती, हंसध्वनि, यमन, तो ऐसे रागों को कॉम्बिनेशन किया, और ये ही जो मैंने बचपन में जो रात रात भर वॉकमैन में अच्छे अच्छे कलाकारों का जो म्यूजिक सुना था, तो वो इसमें निकल के आया। और भगवान की ये कृपा रही कि हमने इसको लेकर एक एल्बम भी बनाया, और मैं अपने भाई साहब देवानंद गंधर्व जी का जिक्र करना चाहूंगा कि वो बहुत ही अच्छा कीबोर्ड बजाते हैं, क्लासिकल कीबोर्ड, तो उनकी मुझे इसमें बहुत मदद मिली, और मतलब अगर वो नहीं है तो मेरा बैंड नहीं है, बिल्कुल ये समझिए। कुछ सुना भी दीजिए उस बैंड का हमें। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, एक झिंझोटी राग में एक कंपोजिशन से वेलकमिंग लव।
आपके बचपन की बात हुई, इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने विस्तार से जाना, शास्त्रीय राग भी सुने, और ये भी जाना कि कैसे आपने तबले को छोड़ने का ना कहें बल्कि ये कहें कि तबले के साथ साथ इस साधना में आप आए। नवीन जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये भी है कि इस इंस्ट्रूमेंट की एक्सेप्टेंस कितनी है अभी आप जब जाते, क्योंकि शास्त्रीय संगीत बहुत सारे नियम कानून दायरों से बंधा हुआ है, क्या आप जब जाते हैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में और बड़े बड़े कलाकारों के साथ संगत करते हैं, आपको क्या लगता है कि इस इंस्ट्रूमेंट को अभी पहचान मिलने में या इसकी एक्सेप्टेंस में समय लगेगा, या आपको लगता है कि नहीं समय नहीं लगेगा और बल्कि इंस्ट्रूमेंट को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो अब मिल चुकी है? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बेला भार जब मेरे पिताजी भी बजाया करते थे तो काफी बड़े बड़े कलाकारों के साथ बजाया उन्होंने, और उन्हें भी बहुत तारीफ मिली और बहुत प्रोत्साहन मिला। उन्होंने पुरुषोत्तम उपाध्याय, आशीष देसाई जी, अनूप जलोटा जी और ऐसे काफी काफी गजल गायक, भजन गायक और ठुमरी गायकों के साथ में बहुत बजाया, और काफी उसका आर्टिस्टों में काफी अच्छा नाम है। पर क्या हुआ कि आम जनता तक ये नहीं पहुंच पाया, और फिर मैंने जब इसको हाथ में लिया तो मैंने एक 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 कसम या एक प्रण लिया कि मैं इसको सोलो ही बजाऊंगा, और अगर सोलो अगर नहीं हो पाता किसी कारण से और कोई चाहता है कि उनके म्यूजिक में बेला भार आए तो मैं कोलेब्रेशन करूंगा। कोलेब्रेशन का मतलब ये होता है कि दो आर्टिस्ट होते हैं, दो या तीन या चार, तो उन सबका इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उस म्यूजिक ट्रैक में, मतलब कोई भी पीछे नहीं होता, कोई भी आगे नहीं होता। इस टाइप के कोलेब्रेशन मैंने बहुत किए हैं, और ना भारतीय आर्टिस्ट के अलावा मैंने विदेशी कलाकारों के साथ भी बहुत कोलेब्रेशन किए हैं, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और ये जो आपने बोला कि एक्सेप्टेंस मिल रहा है कि नहीं, ये मुझे मिल रहा है, और मेरे ये बेला भार के लिए मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं, और छोटे मुंह बड़ी बात, मैं ये चाहता हूं कि ये हमारे भारत को भी ये बेला भार के नाम से जाना जाए और बेला भार को भारत के नाम से जाना जाए, ये मेरी सोच है। मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूं, पर मेरी भारतीय संगीत और बेला भार के लिए एक बहुत बड़ी सोच है, तो मैं ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ हमेशा। आपने जो कहा कि हिंदुस्तान को बेला भार और बेला भार को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाए, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारे लिए समय निकाला, हमसे बातचीत की। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।